बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दावतों वाले कौरमे की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और टेस्टी है। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। दावतों वाला कौरमा बनाने के लिए हमने कढ़ाई में एक कप ऑयल लिया है, और हम चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको मीडियम पर रख लेंगे। अब इसके अंदर एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, 5 से 6 काली मिर्ची और 4 छोटी इलायची डाल देंगे और इसको हल्का सा सोते कर लेंगे, इतना कि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू होगी है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है इसको। लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है। चिकन डालने के बाद चिकन को भी फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है, इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्ची और 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड कर दूंगी। दही डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। दही डाल के आपने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई पे करना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मैंने चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली है, ये देखें बहुत अच्छा भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। अब इसके अंदर मैं तो 1 गिलास पानी डालूंगी, अपने चिकन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इतना पानी डालूंगी कि चिकन अच्छे से गल जाए। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। आप इसके मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें पीस सेपरेट हो रहा है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर हम फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने फ्राई करके रख लिया था, बहुत ही क्रिस्पी है। इसको पहले ऐसे अच्छे तरीके से मसल लेंगे। प्याज को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसको मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी, बिल्कुल 1/4 कप, और इसको हम कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कौरमा हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। अब मैं इसके अंदर
केवरा वाटर डालूंगी, हाफ टी स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका हम डिश आउट करूँगी। चिकन कोरमा को मैंने बादाम और सब मिर्ची के साथ डेकोरेट कर दिए हैं और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रिकमेंड्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने शामिल फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।